हेलो दोस्तों, मैं रूपेश सिंह यूनिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, आज मैं जो आप लोगों के लिए सेशन लेके आया हूँ, नोबेल पुरस्कार 2023-24। फ्रेंड्स, यहाँ से आगामी जितनी होने वाली परीक्षाएं हैं, जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा फ्रेंड्स, बहुत ही महत्वपूर्ण है, और यहाँ से एक या दो नंबर आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, शुरू से लेके अंत तक आपको हमारे साथ कुछ समय के लिए बने रहना है, और मेरे साथ फ्रेंड्स आपको पढ़ते रहना है, ताकि चीजें आपको बेहतर तरीके से याद हो जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, उसके बाद हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है फ्रेंड्स, नोबेल पुरस्कार की स्थापना कब हुआ था? स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल ने 1901 में की थी फ्रेंड्स। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, हर एक पॉइंट यहां बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस बात का ध्यान देना। अगर हम आगे बात करें, अल्फ्रेड नोबेल ने 1867 ईस्वी में किसकी खोज किया था? डायनामाइट की खोज किया था। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले जो है प्रथम भारतीय कौन थे फ्रेंड्स? रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। इनको 1913 ईस्वी में गीतांजलि के लिए जो है नोबेल पुरस्कार मिला था। और नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी फ्रेंड्स? मदर टेरेसा जी थी। 1979 में शांति के क्षेत्र में इनको दिया गया था। भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता या वैज्ञानिक सीवी रबड़ जी को मिला था। किस क्षेत्र में? जो है भौतिकी के क्षेत्र में मिला था। और चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन थे? हरगोविंद सिंह खुराना जी थे। इनको कब मिला था फ्रेंड्स? 1968 ईस्वी में मिला था। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय व्यक्ति कौन थे? अमर्त्य सेन थे। कौन थे? अमर्त्य सेन थे फ्रेंड्स। इनको कब मिला था? 1998 ईस्वी में मिला था। और साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? वी एस नेपाल थे। इनको 2001 ईस्वी में मिला था। तो फ्रेंड्स, ये सारे पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको आप लोग बेहतर तरीके से रट डालिए, और अक्सर पेपर में पूछा जाता है। शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले दूसरी भारतीय कौन थे फ्रेंड? कैलाश सत्यार्थी थे। 2014 में इनको मिला था। और फ्रेंड्स, 1937, 1938, 1939, 1947 और 1948 में गांधी जी को 5 बार नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया, पर एक भी बार उन्हें पुरस्कार के लिए नहीं चुना गया। ये भी पॉइंट आपको याद करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स नोबेल पुरस्कार की घोषणा, नोबेल पुरस्कार की घोषणा प्रत्येक वर्ष अक्टूबर माह में किया जाता है, लेकिन पुरस्कार वितरण अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर 10 दिसंबर को किया जाता है। सबसे कम उम्र में पाने वाले नोबेल पुरस्कार पुरुष कौन थे? लॉरेंस ब्रैंग थे। ये 25 साल की उम्र में इनको जो है नोबेल पुरस्कार मिला है। और सबसे कम उम्र में पाने वाली नोबेल पुरस्कार महिला कौन है? तो फ्रेंड्स, मलाला यूसुफ जई है। इनको जो है 17 वर्ष की उम्र में मिला है। और नोबेल पुरस्कार की शुरुआत फ्रेंड्स 5 क्षेत्र में हुई थी, चिकित्सा के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में, रसायन के, साहित्य के और शांति के। लेकिन ये पहले 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, लेकिन 1968 ईस्वी से अर्थशास्त्र में भी दिया जाने लगा। तो फ्रेंड्स, अब कितने क्षेत्र में दिया जाने लगा? 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में अक्सर पूछ लेता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स 2023 में अब किसको किसको मिला है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पे फ्रेंड्स मैं 60 वीडियो डाल चुका हूं, और उस इच्छाओं का, और उसमें मैं ट्रिक सहित बताया हूं कि ट्रिक सहित आप कैसे याद करेंगे। लेकिन अभी आपको यहां पे डायरेक्ट याद करना है फ्रेंड्स, नोबेल पुरस्कार 2023 साहित्य के क्षेत्र में किसे मिला है? जो फंसे नहीं साहित्य में। आप जाएंगे 60 वीडियो देखिएगा फ्रेंड्स मेरे चैनल पे, तो वहां चीजें आपको एक कॉन्टिन्यूअस मिल जाएंगी। जान फोसे को मिला है, जो है इन्हें अभिनव नाटकों और गद्य के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2023 दिया गया। जो फंसे नहीं साहित्य में, जो मतलब जान फोसे, फंसे नहीं साहित्य मतलब साहित्य के क्षेत्र में जान फोसे को दिया गया है। उसके बाद बात करते हैं चिकित्सा के क्षेत्र में, तो देखिए फ्रेंड, चिकित्सा के क्षेत्र में किसको मिला है नोबेल पुरस्कार 2023? कैटलिन कैरिको को मिला है, और ड्रू बिस्मैन को मिला है। किस लिए मिला था फ्रेंड्स? इन्हों का योगदान क्या था कोविड-19 वैक्सीन में? इन्होंने बहुत ही जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इसीलिए जो है इनको मिला है। किसको? कैटालिन कैरिको को, ड्रू विस्मैन को। क्लियर है? आई होप कि 3-4 बार पढ़ेंगे चीजें तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स
रसायन के क्षेत्र में जो है नोबेल पुरस्कार किसको मिला है? एलेक्सी आई एकिमोव को मिला है, मौगी जी बावेंडी को मिला है, लुइस ई ब्रूस को मिला है। किस लिए मिला गया फ्रेंड्स? इन्हें जो है क्वांटम डॉट्स की खोज और संश्लेषण के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है रसायन के क्षेत्र में। तो किसको किसको? एलेक्सी आई एकिमोव को, मौगी जी बावेंडी को, लुइस ई ब्रूस को। तो देखिए फ्रेंड्स, वीडियो को 3-4 बार देखेंगे तो चीजें बेहतर तरीके से याद हो जाएंगी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को नोबेल पुरस्कार 2023 शांति के क्षेत्र में किसको मिला है? तो किसको मिला है फ्रेंड्स? नरगिस मोहम्मदी को मिला है। किस लिए मिला है फ्रेंड्स? इनको जो है ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ उनकी लड़ाई और सभी के लिए मानवाधिकारों और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के प्रयास के लिए इनको जो है शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स, नोबेल पुरस्कार भौतिकी के क्षेत्र में किसको मिला है? तो भौतिकी के क्षेत्र में किसको मिला है? एनी एल हैलियर को मिला है, पियरे एगेस्टिनी को मिला है और फेरे क्रास को मिला है। इनके अभूतपूर्व कार्य एटोसेकेंड पल्स के विकास को जन्म दिया है, जिससे वैज्ञानिकों को पदार्थ के भीतर इलेक्ट्रॉन की तीव्र गतिशीलता का सीधे निरीक्षण और अध्ययन करने में क्या मिले? मदद मिलती है, इसीलिए इनको दिया गया है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किसको मिला है? तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किसको मिला है फ्रेंड्स? क्लाउडिया गोल्डिन को मिला है। इन्होंने महिला लेबर मार्केट के क्षेत्र में जो है काम किया है, इसीलिए जो है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में फ्रेंड्स क्लाउडिया गोल्डिन को नोबेल प्राइज दिया गया है। तो फ्रेंड्स ये 6 मैंने आपको बता दिए हैं, 3-4 बार वीडियो को देखेंगे तो बेहतर तरीके से याद हो जाएगा। तो फ्रेंड्स बेहतरीन कॉन्सेप्ट वीडियो के लिए अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, इससे आपको फ्रेंड्स आने वाले समय में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का सेशन इतना ही रखेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।